आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। पंजाब विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस की रार पर निशाना साधती रही है, लेकिन अब वह खुद अंतर्कलह में फंस गई है। शुक्रवार को जालंधर में पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर भारी उपद्रव मच गया। चापलूस और भ्रष्ट लोगों को टिकट बांटने का आरोप लगाते हुए पार्टी के कार्यकर्ता राघव चड्ढा चोर है के नारे लगाते दिखे। भारी उपद्रव की स्थिति पैदा हो गई और कार्यकर्ता आपस में ही मारपीट करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि राघव चड्ढा को प्रेस क्लब के पिछले दरवाजे से निकल कर भागना पड़ा। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की ओर से घटना के वीडियो फुटेज शेयर किए जा रहे हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की पिटाई के चलते राघव चड्ढा मौके से भाग निकले। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती। तो वहीं कुछ वीडियोस में राघव चड्ढा पिछले दरवाजे से निकलते दिखाई दे रहे हैं। वह आम आदमी पार्टी में दूसरे दलों से आए नेताओं के स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। आम आदमी पार्टी के जालंधर के नेता डॉक्टर शिव दयाल माली कई कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचे और हंगामा करने लगे। इन लोगों के हाथों में काले झंडे थे और सिर पर काली पट्टी बंध रखी थी। कार्यकर्ता टिकट बंटवारे में कथित धांधली का विरोध कर रहे हैं। भ्रष्ट लोगों को टिकट बांटने का आरोप लगाते हुए ये लोग नारे लगा रहे थे, दागी लोगों को टिकट बांटना बंद करो। राघव चड्ढा की कार को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उनके खिलाफ राघव चड्ढा चोर है के नारे लगाने लगे। इन कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लीडरशिप ने पुराने पार्टी के कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया है। हंगामे के चलते राघव चड्ढा के प्रेस कॉन्फ्रेंस एक घंटे लेट हो गई और फिर शुरू भी हुई तो वह बीच में ही छोड़ कर चले गए। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।